एबीपीएस न्यूज टीम समस्याओं की जड़ तक पहुंच रही है और सरकार को जगाने के लिए लगातार प्यासरत है। आज का पड़ाव असालतपुर बिलारी देहात गांव रहा। यह गांव मुरादाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां की प्रधान रिंकी हैं, जिन्होंने यह बोलकर चौंका दिया कि गांव के विकास के लिए पिछले 6 माह से कोई पैसा ही नहीं आया है, पर अब 6 माह के बाद पैसा आया तो कुछ कार्य हो पाए। मैं रिंकी प्रधान, ग्राम असालतपुर बिलारी देहात, तहसील बिलारी, ब्लॉक बिलारी और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। 6 महीने से कोई विकास कार्य के लिए पैसा नहीं आया, इसीलिए हम गाँव में कार्य कराने में असमर्थ हैं। गाँव वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि प्रधान कार्य नहीं करा रहे, अब 6 महीने बाद किस्त आई है तो हम गाँव में कार्य करा रहे हैं, लाइट लगवाई हैं, विद्यालय में निर्माण करा रहे हैं और रिवोरिंग करा रहे हैं। हमारे गांव में 23 नल हैं तो 3 रिवोरिंग पे कार्य चल रहा है और हमने शमशान पे भी काम करवाए हैं, छोटी और बड़ी वाली पे। गांव में पानी जाने का दिक्कत ही भर जा रहा है रास्ते में, तो हमने एक बड़ा नाला भी बनवाया है जिससे कि पानी बाहर जा सके, और एक खरंजा भी बनवाया है। जैसे पैसा आया हमने ऐसे ही लगवाया, पर 6 महीने से हमें कोई पैसा नहीं आया, इसलिए हम कार्य कराने में असमर्थ थे। शमशान घाट का जीर्णोद्धार तो नाले नालियों का भी निर्माण किया गया है। गांव में सफाई कर्मी भी आते हैं तो सीमेंटेड सड़कें भी साफ सुथरी दिखी। वहीं प्राइमरी स्कूल में भी कार्य होता नजर आया तो गांव में संविधान निर्माता अंबेडकर साहब की मूर्ति की भी झलक दिखाई दी। गांव निवासी बताते हैं कि पैसा आने के बाद गाँव में रिंकी प्रधान अब लगातार कार्य करा रही है। नाम तो खालिदपुर है, नाम मेरा राम गोपाल है, और जो तुम्हारे काम कराए, नाली कराए हैं, स्कूल कराए हैं, एक नाला बनवा हुआ है, शमशान भी करा हुआ है, नर्सरी कराए हैं, और रिवर के बोरम हो रहे हैं, काम कराए।